और कल क्या सोचा लोगों ने कि हमें यहाँ पे मच्छर खाते तो हम यहाँ पे चुप बैठ गए, हमको आवाज नहीं उठाने वाले। लेकिन ये देखो मैं रैकेट लेके आया हूँ, आज सारे के सारे मच्छर से गायब कर दूंगा। जो फर्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है थारा भाई जोगिंदर की साइड से। आपको पता होगा मैंने आपको कल की वीडियो में ये बताया था कि पुनीत सुपरस्टार को ना हार्ट अटैक आ गया था। अभी गाइस मैं आपको बता दूं गाइस इसी रिलेटेड गाइस थारा भाई जोगिंदर ने कुछ अपडेट दिया है और उन्होंने ये बताया कि काफी बंदे गाइस पुनीत सुपरस्टार के ऊपर हंस रहे हैं कि ये नाटक कर रहा है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। काफी लोगों के कमेंट देखे थे जो ये लोग हंस रहे हैं ना, तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। जब ये सिचुएशन तुम्हारे ऊपर आएगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है, कभी किसी को ऊपर ना हंसना नहीं चाहिए। हालत देख रहे हो इनके दिल पे क्या बीत रही हो, यहाँ पर पूरी रात नहीं सोई इनकी फैमिली। बस हंसने से कुछ नहीं होता, तुम ये जज मत क्या करो कैसा कंटेंट बनाते हैं, ये जज क्या करो इनके साथ अभी कंडीशन क्या हो रखी है। बाकी आपको लगता है कि पुनीत सुपरस्टार यहाँ पे नाटक कर रहे हैं या रियल में उनको हार्ट अटैक आया? तेरे को क्या लगता है इनको सच में हार्ट अटैक आया या फिर नाटक कर रहे हैं? मुझे क्या पता उसको हार्ट अटैक आया तेरे को आया, मेरे से पूछ रहा बकवास करता है। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आशीष कोहली सर की साइड से। इनके चैनल से एक वीडियो उठ हुई है जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि एक गांव में ना बहुत खतरनाक वाले चोर आए हुए हैं, वो लोगों को स्टील के बर्तन देके उनका सारा सोना लूट के चले गए। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। मैं इस समय फ्लाई मंडाल के अलोरा गाँव में हूँ और इस गाँव में जो कुछ महिलाएं घूम रही है जिन्होंने इस गाँव की लेडीज को बेवकूफ बनाकर ये स्टील के बर्तन दिए और बदले में इनके घरों में जितना सोना है वो लेकर रफू चक्कर हो गई। बाकी आप भी अलर्ट होके बैठना, मतलब आपके घर में भी ऐसे चोर आए और आपको लूट के चले जाए तो आप कुछ कर ही ना सको, इसलिए ना उसको जूते तरपट सटके घर से बाहर भेजना। बाकी अगर मेरे घर रहे तो मैंने ऐसे तरपट सटने ना उनको, अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे घर पे आने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तरपट भी देता हूँ। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आलन ब्लॉग। और ये आलन ब्लॉग आज अपनी वीडियो में क्या कर रहा है कि आज का ब्लॉग डायरेक्ट अपने रूम से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे बाजू दिखा रहा है अपनी। होप सब अच्छी को तो गाइस देख लो आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट अपने रूम से। हेलो गाइस आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है हमारे रूम से। मतलब ये कौन सा रूम आ गया, मतलब अपनी बाजू को कल इसने ZX स्टैंड बना दिया था, आज इसने अपनी बाजू को रूम बना दिया। ऐसे क्या हुआ, वो अपनी बाजू को रूम बना सकता है तो मैं अपनी बॉडी को बिल्डिंग नहीं बना सकता। सो हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हम अपने डायरेक्ट में बिल्डिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सब अच्छी को तो गाइस देख लो आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट अपने रूम से। उसकी तरह इधर कॉपी नहीं करनी, अब पड़ू पड़ू नहीं इधर करना, चुप करके बैठना, पड़ू पड़ू की आवाज आई तो मैं भूत पे दे दूंगा। इसको एक द्वार लगती है तो पुरुत पुरुत इसका पहले स्टार्ट हो जाता है। आलिम ब्लॉग ने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि पहले ना मैंने अपनी बाइक का नाम क्वीन सोचा हुआ था और मैंने क्वीन वाला रैप करवाने वाला था, लेकिन मैंने अब अपनी बाइक का नाम रॉकेट रख दिया तो अब मेरे को समझ नहीं चल रही कि मैं कौन सा रैप करूं। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। आप लोगों को पता होगा हमारी ZX10R का पहले नाम था क्वीन और उसी के हिसाब से ना मैंने उसका रैप ऑर्डर किया था। मेरे दिमाग में था कि कैसी मॉडिफिकेशन करनी है, कैसा रैप करना है, पर आप लोगों को पता है हमने नाम चेंज करके रॉकेट कर दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही है उस पे कौन सा वाला रैप करें। अब अगर नाम रॉकेट रखा तो रॉकेट वाला रैप करना, कोई जहाज वाला तो नहीं करेगा। ज्यादा भूत मत मारना, उसकी बाइक है वो जो मर्जी करे। इधर ज्यादा लेक्चर देने की कोशिश की तो मैं नासू पे भी देता हूँ। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है लक्ष्य चौधरी की साइड से। आपको पता होगा रजत लाल को गाइस अरेस्ट कर लिया गया। अभी गाइस मैं आपको बता दूंगा इसी से रिलेटेड गाइस ट्विटर पे गाइस लक्ष्य चौधरी को इसके बारे में पूछा जाता है और वो इस चीज के ऊपर कुछ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। भाई मैं ये कह रहा था गुजरात जेल में किसी की लाइन है क्या? बहुत दिन हो गया गाने नहीं सुने होंगे, भाई ने तो डिप्रेशन में चला गया होगा वो। भाई मुझे स्क्रीनशॉट दिलवा दे यार। तो लक्ष्य भाई से एक रिक्वेस्ट है। या ब्रो भाई एक वीडियो रजत दलाल पे होगा कर लेंगे। आपको बता होगा रजत दलाल भी जाट है और गाइस लक्ष्य चौधरी भी जाट है और वो दोनों भाई लगते हैं, इसीलिए गाइस लक्ष्य चौधरी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो नेक्स्ट अपडेट होने वाली है वो ना यूट्यूब के रिलेटेड होने वाली है। आपको पता होगा यूट्यूब पे ना काफी ज्यादा एड्स आते रहते हैं। अभी गाइस मैं आपको बता दूं गाइस ऐसे एड्स आने वाले जिसको आप स्किप भी नहीं कर पाओगे। एक मिनट का एड आएगा उस पे आई कॉन्टेक्ट होगा, अगर उसको पूरे आई कॉन्टेक्ट से आप देखते नहीं ना रहोगे एक मिनट तक, अगर आपने अपनी नजरें आगे पीछे कर दी ना वो एड वापस शुरू से लग जाएगा। तो ये आपको सामने दिख रहा होगा किसी बंदे ने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। तो बाकी आपका क्या कहना इस बारे में कि आपको गुस्सा आने वाला या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तेरे को गुस्सा आने वाला इस बात पे? इस बात में मेरे को गुस्सा तब आएगा जब बाकियों के वीडियो पे ऐड चलेगी। जब हमारे वीडियो पे ऐड चलेगी तो मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आने वाला। वो क्यों? क्योंकि पैसा
हासन का तोर पैसा। जो नेक्स्ट डेट आ रही है वो आ रही है ध्रुव राठी की तरफ से। मैं आपको बता दूंगा इस कल ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में ये बताया कि जो बनते ना नीट का एग्जाम देते हैं, अगर वो नीट के एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं ना होते तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया था कि आपने मेरी ये कोर्स ज्वाइन करो तो आप क्या पता सक्सेसफुल हो जाओ। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। 2022 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी इस एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर। मैं समझ सकता हूँ कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसे सिस्टम से डील करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी याद रखिए कि एक एग्जाम सब कुछ नहीं होता, एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता। इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना। अब चाहे तो मेरी जिंदगी की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मैंने किसी भी ऐसे एग्जाम को टॉप नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामयाब नहीं बन पाया जिंदगी में। द YouTube Blueprint कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड है Student45। और अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो में मेरी पूरी लाइफ स्टोरी जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज को लेते हुए ना काफी बंदे इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ध्रुव राठी ने अपनी कोर्स से ज्वाइन कराने के चक्रों में है। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो रही है प्रो राइडर 1000 की साइड से और आमिर भाई की साइड से। इंस्टाग्राम ने एक रील बहुत तेज से वायरल हो रही थी जिसमें ना आमिर भाई और प्रो राइडर 1000 को कंपेयर किया जा रहा था। तो सबसे पहले आप चर्ची क्लिप भी देख लो। उससे बंदे बोल रहे हैं कि प्रो राइडर 1000 की फैन फॉलोइंग नहीं है आमिर माजिद के सामने। चलो भाई आज हम छोटा सा कंपैरिजन करके देख ही लेते हैं। प्रो राइडर 1000 को पसंद करने वाले रेड हार्ट दिल भेजेंगे और आमिर माजिद को पसंद करने वाले वीडियो में बोन फायर भेजेंगे। देखते हैं किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है। अभी गाइस मैं आपको बता दूंगा इस रील में ना सबसे ज्यादा वोट आमिर भाई को पड़े होते हैं, ये आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज ना सारे के सारे ना कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे। तो आज देखते हैं यार पावर आमिर भाई की ऑडियंस में है या प्रो राइडर 1000 की ऑडियंस में है। कमेंट करो स्पैम कर दो गन्ना वाला। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है थुगेश की साइड से। थुगेश ने एक चैनल के पॉडकास्ट में जाते हैं, वहाँ पे उनको ये पूछा जाता है कि आपको बिग बॉस की तरफ से ऑफर आया था या फिर नहीं। वहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरे को ऑफर आया था। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। आपको ऑफर है? हाँ, मेरे को नहीं जाना भाई। क्या बात कर रहे हैं? नहीं अब नहीं जाना। बहुत लवेबल आदमी। मेरे को लास्ट टाइम जाना था बट अब नहीं जाना। मुनावर वाला? हाँ हाँ, तब तक मेरा मन था, अब मेरा मन अभी नहीं है करेंटली। शायद जाऊँ फ्यूचर में, लेकिन एक दो सीजन तक तो मेरा अभी मन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अपना वो भर रहे सोशल मीडिया वालों को भाई। वो सब भर रहे हैं। तब कैसा था? तब वैल्यू थी। अभिषेक और एलविशी है तो तब वो दिख रहा था डिफरेंस टीवी वालों में। अब ना वो क्या कर रहे हैं, 11 के 11 यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स भर रहे हैं। ये नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है रिचित्रू की साइड से। रिचित्रू ने गाइस अपने ट्विटर पे कुछ ट्वीट करके ये बताया कि मेरे को ना जापान की तरफ से एक स्पॉन्सरशिप आया है और वहाँ पे मेरे को ना वो वाली वीडियोस बनाने का ऑफर दिया गया है कि आप जल्दी से आओ यहाँ पे हमारी लड़कियों के साथ वो वाली वीडियोस बनाओ और वो वाली वीडियोस बनाने के बाद ना आपको फ्री ऑफर दिया जाएगा, सब कुछ पूरे होटल आपको फ्री मिलेंगे। ये आपको सामने दिख रहा होगा, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। यहाँ पे क्रेजी दीप नीचे रिप्लाई करके बोलते हैं कि मेरे को ले चलो भाई, मेरे को वो वाली वीडियोस बनानी है। यार वो वीडियोस कौन सी? उस वीडियो में मैं भी जाना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी वीडियोस हैं यार? वो बेशरम बच्चों के लिए वीडियोस नहीं है वो वाली। ज्यादा बूथ मत मारना, ऐसा बूथ तोड़ दूंगा ना मैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है आयरन माजिद की साइड से। आयरन माजिद ने कहा कि मेरे को ना कोई ऐसी मूवी बताओ जिससे ना मैं बोर ना हूँ, क्योंकि मैं ना बैठ बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो चुकी। तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। तो यार मैं ना बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, मेरे को ना मूवी बताओ कोई तगड़ी सी, भूत वाली बताना या फिर थोड़ी थ्रिलर वाली बताना। ठीक है बताओ यार कोई तगड़ी सी मूवी, तब से ढूंढ ली मैंने हर जगह, मेरे टाइप की मिल नहीं रही है। बोर हो रहे हो तो क्या करें, यहाँ पे ना हमारी मक्के की ना एगरी और दोरी गोडी होने वाली है, जल्दी जल्दी रजौरी में आ जाओ, गोडी गुडनी है। और गोडी गुडने के बाद कोई भी बंदा बोर नहीं होता, काफी मजा आता है। इसलिए अगर बोर हो रहे हो तो जल्दी जल्दी आके गोडी गुडाओ। जो नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है तेरे शहर में है, उक्के चल रहे हो साथ का आप बेबी तेरे साथ का मैं भी बच्चे पाल सा। एलविश यादव ने गाइस अपनी वीडियो में ये बताया कि कल ना मेरा एक न्यू गाना आने वाला है जो ना मैंने जाके चंडीगढ़ में मैंने अपनी आवाज में गाया था। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप देख लो। हे गाइस अपना नया गाना बहुत जल्दी आने वाला है, उसका टीजर कल आएगा भाई प्ले डीएम एफ हरियाणवी के चैनल पे, जो तुम्हारे भाई ने गाना गा रखा है और चंडीगढ़ में जिसका शूट था यादव ब्रांड टूनी जो दूसरा गाना था, तो कल आएगा उसका टीजर। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है व्लॉग्स भाई सुमित की साइड से। आपको पता होगा आजकल ना आमिर भाई के व्यूज काफी ज्यादा डाउन हो गए, इसी से रिलेटेड गाइस व्लॉग्स भाई सुमित ना आमिर भाई को ट्रोल करते हुए दिखे कि आमिर भाई में ना काफी ज्यादा घमंड आ गया था, वो ना डाउन टू अर्थ नहीं था, तो इसलिए ना रब ने उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। भाई आज के टाइम एक इंसान है ना भाई, वो ग्राउंड लेवल से ना जब उठता है ना भाई, एग्जाम्पल दूर क्यों जाना भाई, यूट्यूब की ले लो, जब वो ग्राउंड लेवल से उठता है भाई 500K सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन 1.5 2 मिलियन एंड सो ऑन जो भी है, तो भाई ठीक है अगर तो वो भाई डाउन टू अर्थ है ना तो भाई बहुत लंबा चलता है वो। तो भाई अगर तो वो डाउन टू अर्थ नहीं ना, अगर उसमें भाई थोड़ी सी मैं आ जाए ना भाई, तो वो पता है वहाँ से वापस रब गिराता है, पता कहाँ पे भाई, नीचे ग्राउंड लेवल पे, कि भाई तू तेरी ये औकात है तू यहाँ पे रह, तेरी औकात वहाँ नहीं है। ठीक है
और गाइस यार व्लॉग्स पे सुमित ये भी बोल रहे हैं कि मैंने किसी को पोक शोक नहीं कर रहा और B6 के व्लॉग वाले ना ये वाली क्लिप उठा लेंगे तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। तो इसलिए भाई समझ गए होगे B6 के वालों आपने तो उठा ही लेना भाई कि मैंने फलाने बंदे को पोक किया जा किसको करा ये किसी को पोक नहीं है बस एक मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त के लिए भाई एक नसीहत थी एक एग्जांपल थी। ये पोक नहीं था तो क्या था पहले लोग बंदे को पोक करते और फिर लास्ट में बोलते हैं हमने किसी को पोक ही नहीं किया। शर्म होती होगी थोड़ी पति बंदे को शर्म ही बेच के खाई हुई है पहले बंदे को पोक कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं पोक ही नहीं कर रहे और B6 के व्लॉग वाले ये क्लिप उठा लेंगे क्योंकि B6 के वालों आपने तो उठा ही लेना तो उठाएंगे ना तो हमारा काम है ना हम क्लिप क्या हम बंदे को भी उठा लेते हैं और हम क्लिप उठाएंगे ना कोई बंदा हमें ठाक के देखे तो देखे मेरी बॉडी नहीं देखी थी इन्होंने ये देख बॉडी ये डोले मैंने ऐसे ही बनाए बादाम खाता हूँ रोज 2 किलो ये पीछे से कंडी चेक कर मेरी ये चेक पार्टी मारता हूँ दो ये बंदा मैंने ऐसे नहीं रखा हुआ ये हर एक इस बंदे को उठा लेता है जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है आमिर भाई की साइड से आमिर भाई ने फाइनली अपनी BMW को रेडी करा ली और बहुत तगड़े वाला रैप करवाया है और आमिर भाई ना जानो शान और आलम लोगों ने ट्रोल करते हुए दिखे और उन्होंने ये कहा कि हर गली से व्लॉगर निकले जम्मू के सिद्धरा रोड पे कोई लेके कैमरा कोई लेके गिमल कोई लेके ट्राइपॉड ये करो सपने अपने पूरे और चूजे की फरमाइश से सिद्धरा वाले रोड पे ये जो फेमस किया भाई सिद्धरा वाले रोड को ये भी हमारे जम्मू कश्मीर के बंदों ने किया भाई हर गली से व्लॉगर निकले जम्मू के सिद्धरा रोड पे कोई लेके कैमरा कोई लेके फोन को लेके ट्राइपॉड तो आमिर भाई को ना कुछ बच्चे देखने के लिए मिलते हैं और वहाँ पे वो आने व्लॉग को ट्रोल कर देते हैं वहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई दूसरा आमिर माजिद नहीं अब बन पाएगा सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो बता दूसरा आमिर माजिद बन पाएगा यहाँ पे कोई नहीं बन पाएगा क्यों क्योंकि मैं विलेज से निकल के बनाऊ भाई पर गाइस यार आमिर भाई ने ये भी बताया कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ हम दोनों से मिलने के लिए तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो आ रहे हैं पुंछ रजौरी आ रहे हैं तुम सबके पास एक और चीज मेरे को ना मेरा बैटमैन देखना तो एक बार बैटमैन को भी देखेंगे और जिन जिनको मैंने दिया था ना भाई से भी मैं कॉन्टेक्ट करूंगा नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है जॉनू स्टंट की साइड से मुझे लग रहा है कि जॉनू स्टंट का शायद से ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि उसने अपनी स्टोरी में बहुत ज्यादा सैड वाला सॉन्ग लगाया हुआ है और वहाँ पे दिल भी धड़क रहा है गुड्डे का तो ये आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैं आपको थोड़ा सा गाना बोल के दिखा देता हूँ आसे पासे मिले ने आसे पासे पर फीले लोन करा और गाइस यार आज के अपडेट यही तक तेरा वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंचो इस बेशरम को शहर में नहीं पीछे वीडियो बनाते बनाते पता नहीं कैसी हरकतें करता रहता है और आज किसकी मुंडी पर उड़ने हो गई है बाकी आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो हम बताते हम B6 के आर्मी के कट्टर वाले फैन हैं और हम B6 के आर्मी को दिल से प्यार करते हैं दिल से प्यार करते हैं बाकी गाइस हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत